23 अप्रैल को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि पावने एमआईडीसी जो है, पावने एमआईडीसी में एक कंटेनर ट्रक, उसमें गेहूं के बैग्स है और गेहूं के बैग्स के अंडर महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया हुआ गुटखा के बैग छुपा के रखे। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने डिटेक्शन टीम का चयन किया और डिटेक्शन टीम ने जाके वहाँ जाके वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद वो उसमें निकला गया, उसमें 20 बैग मिली। गेहूं के बैग छोड़ने के बाद 20 बैग मिली। उसमें चेकिंग करने के बाद उसमें प्रतिबंधित जो गुटखा है, वो गुटखा और सुगंधित तंबाकू उसमें पाए गए। वो कहाँ से लाया और उसने किसने भेजा, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। तो वो ये ग्वालियर से ट्रक भर के आया था और इधर कोपरी गांव में एक पवन गुप्ता नाम का अपराधी है, उसके पास वो दे के आगे बेचने वाले थे। इन्फॉर्मेशन के बाद हमने ये जो माल है वो बरामद किया। एक्शन लेने के बाद उसमें 20 गोनी गुटखा मिला है, करीबन 9,50,000 का माल है और गेहूं की गोनी जो है 950, 30 किलो के 950 बैग्स, ऐसे कुल मिला के हमने 36 लाख के ऊपर जो माल है हमने बरामद किया है। इसमें किसने माल भेजा है, किसको माल बेचना बेचने वाले थे, ये सब जांच हम कर रहे हैं। अपराधी लोगों, दो अपराधी को हमने अब तक अरेस्ट किया है, उसमें गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है और उसके साथ एक आदमी था जिसको ये सब जानकारी है, उसको हमने अरेस्ट किया है। 29 अप्रैल तक आरोपी की कस्टडी मिली है माननीय न्यायालय से, आगे की जाँच हम कर रहे हैं।